डेवलप्ड नेशन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि उस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत अधिक महत्व देना। यही कारण है कि यूके एक डेवलप्ड नेशन है और इंडिया आज भी डेवलपिंग नेशन के लिस्ट में आता है। कंपनीज के द्वारा विकासशील देशों के साथ लगभग 700 बिलियन डॉलर का फ्रॉड किया गया है। स्विट्जरलैंड को 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया के द्वारा रोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस प्राप्त होती है। यह वही समय था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने पैरों को जमाना शुरू किया जा चुका था। वर्ल्ड की पांच अगर सबसे अधिक डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। स्विट्जरलैंड के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले हम यह जान लेते हैं कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है। डेवलप्ड नेशन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि उस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत अधिक महत्व देना। एक डेवलप्ड कंट्री का मतलब ही होता है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ रेट भी हाई होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम भी किसी भी देश के डेवलपमेंट में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया और यूके की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग सेम है, परंतु इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति की बाइंग कैपेसिटी सिर्फ 7,000 है, तो वहीं यूके में प्रत्येक व्यक्ति की बाइंग कैपेसिटी लगभग 48,000 के आसपास है। और यही कारण है कि यूके एक डेवलप्ड नेशन है और इंडिया आज भी डेवलपिंग नेशन के लिस्ट में आता है। इसके अलावा डेवलप्ड नेशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होनी चाहिए। अब इन सबसे अलग हटकर एक सबसे चौंकाने वाले फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि विकसित देश विकासशील देशों को अनुदान देती है, जिससे कि विकासशील देश या फिर पिछड़े हुए देश खुद का विकास कर सके। परंतु इसमें कितनी सच्चाई है, इसे हम इन आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट की माने तो सभी रिच कंट्रीज अपने आप को उपनिवेशवाद के समय दूसरे देशों से रिसोर्सेज को लूट कर या फिर चुरा कर और वहां के लोगों को गुलामों की तरह काम करवा कर खुद को धनवान तो कर लिया, और वही रिच कंट्रीज आज उन गरीब देशों को अनुदान के नाम पर हेल्प करती है। परंतु इस अनुदान में कितनी सच्चाई है, आगे के आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 2012 में डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा इन गरीब देशों को 1.3 ट्रिलियन यानी कि 1,30,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था, परंतु इन डेवलप्ड कंट्रीज को इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज से लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर का इनकम भी हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसे अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह लगभग इंडिया के टोटल जीडीपी के बराबर आता है। इसमें थोड़ा और पीछे जाए तो 1980s के बाद से इन विकासशील देशों के द्वारा विकसित देशों को लगभग 16.3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 16,30,000 करोड़ रुपए का इनकम हुआ है, जो कि अमेरिका के टोटल जीडीपी के बराबर आता है। और 1980 के बाद से ही सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर का ही अनुदान इन डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा पिछड़े हुए देशों को दिया गया है। इसमें भी सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इन 16.3 ट्रिलियन डॉलर में से लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 4,00,000 करोड़ रुपए इन विकासशील देशों के द्वारा इंटरेस्ट के रूप में विकसित देशों को पे करना पड़ा है। सामान्य तौर पर यह कह दिया जाता है कि विकासशील देशों को विकसित देशों के द्वारा डेवलपमेंट में सहायता दी जाती है, परंतु आंकड़ों को देखकर यह सामने आता है कि विकासशील देशों के द्वारा विकसित देशों को डेवलपमेंट में सहायता दी जाती है। वहीं इससे थोड़ा सा अलग हटकर विकसित देशों के मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा किए जाने वाले फ्रॉड की बात करें तो इन कंपनीज के द्वारा अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स की फेक इनवॉइस तैयार करके टैक्स की चोरी की जाती है। जिसके हाल के रिपोर्ट की माने तो इन कंपनीज के द्वारा विकासशील देशों के साथ लगभग 700 बिलियन डॉलर का फ्रॉड किया गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा अपने सहायक कंपनियों के साथ कोलैब करके विकासशील देशों से पैसों को उन कंट्रीज में मंगवा लिया जाता है जहां पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे कि नाइजीरिया के द्वारा टैक्स सेव करने के लिए ब्रिटिश के किसी दूसरे वर्जिन आइलैंड पर पैसों को शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि एक टैक्स फ्री प्लेस है और इन जगहों से फ्रॉडिंग को ट्रेस भी नहीं किया जा सकता है। अब जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था कि एंड में हम स्विट्जरलैंड के बारे में जानेंगे,
तो स्विट्जरलैंड जो कि विश्व की सबसे अधिक विकसित देश है, अगर इसके इतिहास को समझने की कोशिश करें तो स्विट्जरलैंड 1291 में कैंटन संगठन के द्वारा बनाया गया था, जिसे एक्चुअली हैब्सबर्ग नामक डायनेस्टी के खिलाफ बनाया गया था। इसे उस वक्त कॉन्फेडरेशन ऑफ हेल्वेटिका के नाम से जाना जाता था, जो कि रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। स्विट्जरलैंड को 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया के द्वारा रोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस प्राप्त होती है। यह वही समय था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने पैरों को जमाना शुरू किया जा चुका था। कॉन्फेडरेशन ऑफ हेल्वेटिका को 1848 में स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाने लगा। स्विट्जरलैंड की अगर पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें तो वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, यानी कि जिस प्रकार से अन्य देशों में किसी भी क्रिटिकल डिसीजन को लेने के लिए एक हेड नियुक्त किया जाता है, परंतु स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में किसी भी क्रिटिकल डिसीजन को लेने के लिए एक काउंसिल की व्यवस्था की गई है, जिसमें 7 मेंबर्स की टीम को शामिल किया गया है और इन सभी 7 मेंबर्स के पास सेम पावर होती है। इसके अलावा स्विस बैंक को लेकर भी नियम बनाए गए हैं, जिसमें सभी इंडिविजुअल्स को एक समान प्रोटेक्शन प्राप्त है। वहीं अगर स्विस बैंक की बात करें तो अगर आप स्विस बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 10 मिलियन डॉलर यानी 80 करोड़ रुपए होने आवश्यक है। 1934 में स्विस बैंक के द्वारा एक नियम बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी स्विस बैंक में अकाउंट वाले इंडिविजुअल का क्रिमिनल बैकग्राउंड होने पर ही उसका नाम डिस्क्लोज किया जाएगा। वहीं स्विट्जरलैंड के द्वारा अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 1874 में ही फ्री ट्रेडिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया के द्वारा 1991 में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यह था डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर एक रिपोर्ट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।